हेलो दोस्तों, 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 यानी कि 5 बार की कप विनर, आईपीएल हिस्ट्री के सबसे मोस्ट सक्सेसफुल टीम। बात करेंगे हम मुंबई इंडियंस के बारे में। यहाँ पे आपको टीम के बारे में आईपीएल 2022 मुंबई इंडियंस टीम एनालिसिस आपको मिलने वाला है। क्या परफॉर्मेंस रहेगा मुंबई इंडियंस का इस साल 2022 आईपीएल में, और क्या क्या प्लेइंग 11 रहेंगे, क्या रिकॉर्ड्स कहते हैं, और सबसे बड़ी बात, मुंबई इंडियंस सारे मैच यानी कि मुंबई के फेवर में मैच यहाँ पे मुंबई के स्टेडियम में खेलने वाली है। तो ये बहुत बेनिफिट मिलने वाला, कैसे बेनिफिट मिलेगा आपको सबको डिटेल्स में एनालिसिस होगा। तो दोस्तों, अभी तक मेरे टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हो, यहाँ पे डेमो मैच आते रहता है, जाइए ज्वाइन हो जाइए, यहाँ पे फ्री अपडेट मिलेगा। और एक बार व्हाट्सएप पे मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना किसी प्रकार डाउट हो तो, आप मैच में किसी प्रकार डाउट हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना। तो चैनल से ज्वाइन कीजिए अगर पसंद आए काम, नहीं तो लेफ्ट कर दीजिएगा, सीधी सी बात है, नो बकवास। तो बात करेंगे दोस्तों अभी रिकॉर्ड क्या है। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2017 यानी आईपीएल में टोटल 2021 तक 217 मैच खेले हैं, जिसमें से 125 विन हुई है और यहाँ पे माफ कीजिएगा 88 लॉस हुई है, जिसमें से आप बात करेंगे 4 नो रिजल्ट रहा है। अगर सबसे ज्यादा विनिंग परसेंटेज सीएसके का है लगभग 60%, लेकिन यहाँ पे मुंबई इंडियंस 58% सेकेंड दूसरी टीम है विनिंग मैच में, अगर मैच टोटल मैच में देखा जाए। हालांकि सीएसके 2 साल बैन भी थी, लेकिन मुंबई इंडियंस को देखा जाए एक तरह से सक्सेसफुल टीम है पूरी आईपीएल में। प्लेइंग 11 क्या रहने वाला है भाई मेरे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ईशान किशन, रोहित शर्मा। देखो थर्ड डाउन पे थोड़ा डाउट है, डाउट क्या है, थर्ड डाउन पे आप तिलक वर्मा, आप नहीं जानते होंगे तिलक वर्मा के बारे में थोड़ा बता दूं। तिलक वर्मा अंडर 19 खेल चुके हैं और वर्ल्ड कप में खेले हैं, और इनका स्ट्राइक रेट ODI हो, T20 हो या डोमेस्टिक T20 हो, इतना शानदार स्ट्राइक रेट है 150 के अप्रॉक्स में है। तो बहुत चांस है अगर तिलक वर्मा का प्रमोट किया जाए और मुंबई इंडियंस थर्ड नंबर के लिए एक हमेशा के लिए एक स्टेबल बैट्समैन ढूंढेंगी तिलक वर्मा में। बाकी सूर्य कुमार यादव हो सकते हैं अगर डाउन आए तो यहाँ पे चौथे नंबर पे आ सकते हैं। तो प्ले 11 देख लो, टीम डेविड कारन पोलार्ड, संजय यादव, अलमोन प्रीत या तिलक वर्मा, ये अगर तिलक वर्मा खेलेंगे तो यहाँ से थर्ड नंबर पे उठ के चले जाएंगे और सूर्य कुमार को आना पड़ेगा। बाकी संजय यादव या अलमोन प्रीत रहेंगे तो 6 नंबर पे रहेंगे। डैनियल सैम, मुंबई इंडियंस ने सबसे बड़ा यहाँ पे काम किया है, हार्दिक पांड्या फॉर्म में नहीं दिख रहे थे, पिछले सीजन की बात करें 2 साल से उतने अच्छे फॉर्म में नहीं दिखे, तो हार्दिक पांड्या को रिलीज किया मुंबई इंडियंस ने और डैनियल सैम एक ऑलराउंडर के तौर पर बहुत बेस्ट ऑप्शन लेके आई है। और यहाँ पे जयदेव उनाडकट और मुर्गन अश्विन, देखो जयदेव उनाडकट से आप भली बाकी वाकिफ हो, पहले राजस्थान में थे और क्या परफॉर्मेंस है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हर कोई उन्हें निगेटिव ही देखता है। तो जयदेव उनाडकट की जगह पर हो सकता है मुर्गन अश्विन को लाया जाए टीम में। टीम ने रिटर्न किया था जोफड़ा आर्चर को, जोफड़ा बहुत उम्मीद के साथ, और अगर जोफड़ा रहते तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहता जोफड़ा और यहाँ पे जसप्रीत बुमराह का, लेकिन जोफड़ा आज अगले साल से ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे रिले मैड्रिड और टाइमिल स्मिथ 2 ऑप्शन बनते हैं फॉरेन प्लेयर एक पेस अटैक लाने के लिए, तो यहाँ पे दोनों में से एक खेलते हुए नजर आएंगे। बाकी यहाँ पे जसप्रीत बुमराह, मयंक मारकंडे, ये प्रोबेबल प्लेइंग 11 है आपको खेलते हुए नजर आएंगे। तो प्लेइंग 11 तो आपको समझ में आ गया, और आपको देखो पॉसिबिलिटी क्या है, टीम डेविड बैटिंग ऑर्डर तो बहुत अच्छे है, टीम डेविड का आप नाम भलीभांति जानते हो, PSL हो BBL हो, एक अच्छा अपना छाप छोड़ चुके हैं और IPL में इनको डेफिनेटली मौका मिलेगा, और यहाँ पे भी चुकेंगे नहीं, टीम डेविड सिंगापुर से हैं। अब स्टेडियम रिकॉर्ड क्या कहते हैं, देखो वानखेड़े में 4 मैच होने वाले हैं, DY पाटिल में 4 मैच, MCA में 3, बारबोन में 3 मैच खेलेंगे मुंबई इंडियंस। टोटल ग्रुप स्टेज का मैच की बात करें तो यहाँ पे 14 मैच खेलने वाली, अगर रिकॉर्ड देखोगे वानखेड़े में 67 में से 42 जीती है, विनिंग परसेंटेज 60 से अबव है। डीवाई पाटिल में से 7 में से 5 भी जीती है, डीवाई यहाँ पे भी अच्छा है। MCA में 14 में से 10 जीती है और बारबोन में यहाँ पे देख सकते हो 8 में से 6 जीती है। तो देख सकते हो सब में चारों स्टेडियम पे विनिंग स्ट्राइक और विनिंग परसेंटेज बहुत अच्छा है, यानी कि मुंबई इंडियंस को होम एडवांटेज मिलने वाला है, और जिसके वजह से यहाँ पे टीम पंटर टीम बन के उभरेगी। बाकी यहाँ पे देख सकते हो जब भी MI क्वालिफाई अगर एक सीजन नहीं की है, अगर आप मैं प्रीवियस रिकॉर्ड दिखाऊं 2013 के बाद 1 साल गैप 4th पोजीशन पे, 2015 के बाद 1 साल गैप 5th पोजीशन पे, 2017 के बाद 1 साल गैप फिर 5th पोजीशन पे आई 2019 और 20। अब देखो पिछला सीजन तो 5th पोजीशन पे रही मुंबई इंडियंस, लेकिन इस सीजन आप रिकॉर्ड देखोगे, रिकॉर्ड कहते हैं मुंबई इंडियंस
अगर क्वालिफाई नहीं करती है तो एक जोरदार कमबैक करती है और कप के लिए बहुत। तो पंटर टीम लेना भाई मेरे, इसे पकड़ के चलना टीम टीम को। और थोड़ा आपको यहाँ पे बेनिफिट्स और वीकनेस यानी स्ट्रेंथ और वीकनेस टीम का क्या है, तो थोड़ा होम एडवांटेज मिलेगा स्ट्रेंथ में। देखिए होम एडवांटेज डेफिनेटली टीम को मिलने वाला है। दूसरी बात, अगर मुंबई इंडियंस के देखोगे बैटिंग बैटिंग डेप्थ बहुत अच्छा है, चौथे सातवें आठवें नंबर तक, मतलब मुंबई इंडियंस ऑलराउंडर को लेकर बहुत अच्छा काम किया है। टीम डेविड भी एक दो ओवर डाल लेते हैं। और मुंबई इंडियंस की वीकनेस क्या, बॉलिंग वीक है थोड़ी, बॉलिंग जैसे जोफ्रा आर्चर नहीं खेल रहे हैं, और यहाँ पे एक इंडियन स्पिनर इंडियन पिच के लिए चाहिए, वो यहाँ पे कमी दिख रही है। और पूरा बॉलिंग डिपार्टमेंट यहाँ पे बुमराह पे पेस अटैक बुमराह पे टिका हुआ है। अब इंडियन पिच पे रिले मैड्रिड टाइमिस विल्स, इनका फॉर्म देखना देखना पड़ेगा कि क्या परफॉर्मेंस करते हैं। बाकी यहाँ पे अगर अगर वीकनेस की बात, बैटिंग ऑर्डर में बहुत शानदार वीकनेस है। तीन टॉप ऑर्डर के बैट्समैन में रोहित सूर्य कुमार और यहाँ पे ईशान किशन जो कि पावर हिटर बैट्समैन है, और नीचे भी आपको कैरम पोलार्ड जैसे बैट्समैन है, टीम डेविड जैसे हिटर बैट्समैन है जो कि आपको 200, अगर मुंबई के पिच की बात करें 170 रन तो डेफिनेटली हर टीम लगा देती है। तो यहाँ पे 200 के करीब मुंबई फर्स्ट इनिंग पे आती है या चेस करते हुए फेवरेट टीम रहेगी। तो ये सब आपको ध्यान में रखना भाई मेरे। और वीडियो अच्छा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।